वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू. दिस इज माई फोर्थ वीडियो रिलेटेड टू क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. एंड स्टूडेंट्स, we have studied about the consequences of non-registration of partnership firm. As we already discussed about here that registration of partnership firm is not compulsory. It is optional for the business that they may be register your business or not. But we have studied here various consequences of non-registration of partnership firm. Students, so here we are studying about our next topic, that is related to the partnership deed. Our next topic is drafting of a partnership deed. यदि हम partnership deed बना रहे हैं, यदि हम registration करवा रहे हैं, तो हमें क्या-क्या documents, किन-किन की यहाँ पे requirement होने वाली है? यहाँ पे सबसे first हम देखते हैं what is partnership deed. पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि partnership deed होती क्या है. यहाँ पे मैं read कर रही हूँ, partnership is an agreement between persons to carry on a business entered into either orally or in writing. ये हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन में देख लिया था. रजिस्ट्रेशन जो हमने सेकंड फीचर करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, एग्रीमेंट वहां पे भी हमने देख लिया था कि पार्टनरशिप है यहाँ पे एंड और जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है एंड रिटर्न. इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट सो एज टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अननेसेसरी लिटिगेशन इन फ्यूचर. जैसा कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखा था कि बहुत सारे लिटिगेशंस, डिस्प्यूट्स, इन सब से हम बच सकते हैं यदि हम हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर करा लें और या हम जो एग्रीमेंट है उसको रिटर्न करवाएं, रिटर्न एग्रीमेंट, ताकि जो भी यदि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो हम उन रिटर्न एग्रीमेंट के बेसिस पे उन डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोला है when the agreement is in written form it is called a partnership deed. First of all यहाँ पे जो हमने दो चीजें देखी समझी वो ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है एंड रिटर्न में भी हो सकता है. यदि हम जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड. ओके, इट मस्ट बी ड्यूली साइन बाय द पार्टनरशिप, स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड. यदि जो डीड है साइन हो रही है, रजिस्ट्रेशन हमने किया है, एग्रीमेंट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे जो पार्टनर्स है 2, 3, 4, 5, 10 जो भी हैं पार्टनर्स, तो सबके म्यूचुअल कंसर्न से वो जो भी एग्रीमेंट के पॉइंट्स है वो डिसाइड होने चाहिए. और जो एग्रीमेंट आपने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है वो सारे पार्टनर्स जो भी हैं बिजनेस के उनके द्वारा साइन होना कंपलसरी है. एनी अल्टरेशन इन वन पार्टनरशिप डीड कैन बी मेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. यदि कोई भी उस पार्टनरशिप डीड है जो हमने रिटर्न में बनाए हैं उसमें कोई भी चेंजेस चाहिए या हमें करना है तो हमें पहले सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होगी उससे रिलेटेड. ऑल यहाँ पे आगे है, ऑल दो इट इज लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म टू डिसाइड देमसेल्फ एज टू वॉट शुड बी मेंशन इन देयर पार्टनरशिप डीड. Yet a partnership deed generally contains the following. यहाँ पे बताया गया कि जो भी आपको पार्टनरशिप के अंदर जो डीड है, एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी चीजें मेंशन करनी है वो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करनी है. लेकिन जो मेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स है या मेन जो कंटेंट है वो ये हैं, ये सब जनरली सब पार्टनर्स है जो सारे पार्टनरशिप बिजनेस है ये फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं. सबसे मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो जनरल पॉइंट्स है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम मेंशन करते हैं, ये सारे ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस इन बेसिक पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं. सबसे फर्स्ट जो हम पार्टनरशिप डीड जो रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, नेम ऑफ द फर्म,
दैट इज हमारे जो बिजनेस फर्म है उसका क्या नेम है, हमें क्या नेम उसको रखना है, वो एप्रोप्रिएट है हमारे बिजनेस के लिए, इलीगल तो नहीं है या फिर इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है हमारे बिजनेस के लिए. तो सबसे फर्स्ट जो हम पार्टनरशिप डीड रिटर्न में मेंशन करेंगे वो है नेम ऑफ द फर्म. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, किस फॉर्म में है, हो दैट इज होलसेल बिजनेस है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या फॉर्म है हमारे, नेचर क्या है बिजनेस का, सर्विस सेक्टर है या प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सेकेंडरी से रिलेटेड है, तो नेचर ऑफ द बिजनेस में हम कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट है नेम ऑफ पार्टनर्स, जो भी हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनका हम नेम मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है प्लेस ऑफ द बिजनेस, हम ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कहाँ कर रहे हैं, एक ही ब्रांच है, अलग अलग ब्रांचेस है, या हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कर रहे हैं, अलग अलग जो भी प्लेसेस है बिजनेस के वो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. बेसिकली हमने देखा था, इसकी डेफिनेशन के अंदर भी देखा था कि हम पार्टनरशिप जो हमने ड्रॉबैक देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के, उसमें देखा था लिमिटेड कैपिटल, उसी को जो ड्रॉबैक है उसको अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट किया गया. तो हम देखते हैं कि मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनर्स हैं जो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट बिजनेस में फंड लेके आते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी By each partner, मतलब हर partner ने कितनी amount capital को contribute किया है. Next है profit sharing ratio between the partners. हम देखते हैं कोई भी business में basically जो dispute arising का जो main reason है वो है profit. यदि हमने सब partners को profit equally distribute किया या जितनी capital उन्होंने business में invest की है उसके according distribute नहीं किया है तो जो disputes के chances हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे हमें जब हम ये एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं तभी हमें डिसाइड कर लेना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा पार्टनर्स का, मतलब किस फॉर्म में, किस रेशो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा. तो हम ये इस एग्रीमेंट में हम रीड आउट कर लेंगे कि हाँ हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस बेसिस पे प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं. नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द पार्टनर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन. देख यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को या कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लोन एंड एडवांसेस, हमने देखा कि पार्टनर्स यदि बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन यदि बिजनेस फर्म को और एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कुछ पार्टनर्स कैपिटल लोन्स भी पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करते हैं. लोन्स प्रोवाइड करने के पीछे ये रीजन होता है कि उनको इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है या उनका हो सकता है प्रॉफिट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरीके से पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल जो प्रोवाइड करते हैं इनिशियल फंड, उसके अलावा लोन और एडवांसेस भी प्रोवाइड करते हैं. तो लोन और एडवांसेस जो भी पार्टनर्स प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यदि कोई पार्टनर हमें लोन प्रोवाइड करेगा तो उस पर इंटरेस्ट क्या रेट से चार्ज होगा या किस रेट से हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी फ्यूचर में यदि कोई भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओपन करके बता सकते हैं कि हाँ हमने ये वाले रेट डिसाइड की थी. ड्रॉइंग्स अलाउड टू द पार्टनर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का मीनिंग है यदि पार्टनर्स, यदि पार्टनर्स को पर्सनल लेवल पे कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट है, यदि वो बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से लोन ना लेके यदि उस पार्टनरशिप बिजनेस से फंड विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स यदि हमारे पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें सफिशियंट फंड है और यदि वहां से किसी पार्टनर को अपने पर्सनली कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक के पास नहीं जा रहा है और डायरेक्ट उस पार्टनरशिप बिजनेस से फंड ले रहा है तो वो होगी ड्रॉइंग्स. यहाँ पे है ड्रॉइंग्स अलाउड टू द पार्टनर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ओन.
दैट मीन्स ड्राइंग जो पार्टनर्स को अलाउ करिए, किस लेवल पे अलाउ करेंगे, और जो यदि कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा लेता है तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन इफ एनी पेबल टू द पार्टनर्स. हम देख रहे हैं कुछ केसेस में यहाँ पे ऊपर लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी. तो हम देखते हैं कुछ बिजनेसेस में जो पार्टनरशिप बिजनेसेस है वहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड होता है. उसके अलावा हम देख रहे हैं कि सैलरी भी यदि डिसाइड होती है कि पार्टनर्स को कुछ अमाउंट सैलरी हो रिसीव होगी या सैलरी मिलेगी, तो दैट यहाँ पे है कि अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, यदि किसी पार्टनर को मिलना है तो क्या मिलेगा सैलरी, क्या मिलेगा कमीशन इफ एनी पेबल टू द पार्टनर्स. नेक्स्ट है ड्यूटीज पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स. सिंपली मीनिंग है कि बहुत सारे लोग यदि बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, 2, 3, 4 या पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिजनेसेस है, तो हो सकता है टास्क से रिलेटेड इश्यूज भी उन लोगों के बीच में अराइज हो जाए. तो यहाँ पे है हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है जब पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसी टाइम पे कि पर्टिकुलर पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर्स है और क्या ऑब्लिगेशंस है पार्टनर्स की, ताकि ये कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज ना हो. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अरेंजमेंट फॉर देयर ऑडिट. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट ऑडिट. ऑडिट मीन्स होता है रीचेक अकाउंट्स को. जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं या जिसमें भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तो उनको ऑडिट दैट मीन्स उनको रीचेक का काम किसका है, अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम है वो किस तरीके से होगा, और ऑडिट है तो वो किस तरीके से होगी, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं. नेक्स्ट है मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर. सबसे फर्स्ट हमने गुडविल का मीनिंग क्लास 11th में हमने इंटेंजिबल्स जो पढ़े थे उसके अंदर हमने गुडविल का मीनिंग देखा था. इट इज एन इंटेंजिबल असेट ऑफ ए बिजनेस. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी पार्टनर उसका एडमिशन होता है, दैट मीन्स न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है बिजनेस को, रिटायरमेंट, यदि कोई पार्टनर बिजनेस फर्म से रिटायर करता है, अपने आप को आउट करता है, रिमूव करता है, ये डेथ ऑफ ए पार्टनर या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है. तो हम इन तीनों केसेस में गुडविल का असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं, और उस बेसिस पे पर्टिकुलर अमाउंट उस पार्टनर को या उसके जो भी नॉमिनीज है उनको प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले ही हम जब एग्रीमेंट बनाएंगे तभी हम डिसाइड कर लेंगे कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है हम वो किस तरीके से करेंगे. 13th पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. यदि हम सपोज कीजिए कि एक टाइम के बाद में यदि हम कभी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस से रिलेटेड, यदि हम यहाँ पे जब एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे तभी हम डिसाइड कर लेंगे कि यदि हम पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करते हैं, रिमूव डिसोल्व करते हैं, खत्म करते हैं, तो हम जो हम भी हमारे अकाउंट्स और बिजनेस के किस तरीके से सेटल करेंगे, कि मतलब लोगों को पैसा किस तरीके से देंगे, पार्टनर्स को किस तरीके से देंगे, या हमने उनसे ड्राइंग ले रखी है, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन ऑफ केस ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स. यदि पार्टनर्स है, जो भी पार्टनर्स है बिजनेस में, यदि उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आर्बिट्रेशन मतलब किस तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है दैट मीन्स कहाँ जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, या पर्टिकुलर इस लेवल पे हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स इन केस ऑफ पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को समझने से पहले हमें इंसॉल्वेंट का मीनिंग समझना जरूरी है. इंसॉल्वेंट का मीनिंग होता है कि दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पार्टनर इनकैपेबल है, वो उसको जो भी बिजनेस में है वो रिफंड नहीं कर सकता है, अमाउंट रीपे नहीं कर सकता है. इंसॉल्वेंट बेसिकली कोर्ट डिक्लेयर करती है, उसके अंदर कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये पार्टनर के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और उसका वो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी अब आप उसकी सेल नहीं कर सकते. दैट मीन्स इससे रिलेटेड कोई भी उसकी जो लाइबिलिटी है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को रीपे करनी पड़ेगी, उनको बियर करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे अरेंजमेंट इन केस ऑफ ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किस तरीके से हम अरेंजमेंट्स क्या क्या रखेंगे, किस तरीके से उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी अराइज हो रही है उसको कैसे हम रीपे करेंगे, क्यों,
क्योंकि हमने देखा है पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा था जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. पार्टनरशिप में भी जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. दैट मीन्स जो पार्टनर्स को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी पार्टनर के पास अमाउंट, यदि बिजनेस में अमाउंट नहीं है, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करना पड़ सकता है, जो भी लायबिलिटीज अराइज हो रही है उनको रीपे करने के लिए. तो यहाँ पे यदि टोटल सपोज कीजिए 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी, यदि डी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, दैट मीन्स उसके पास में कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी फंड नहीं है अभी, तो यहाँ पे कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है. तो दैट मीन्स अब उससे कोई भी फंड, कोई भी अमाउंट वापस नहीं मांग सकता है. तो उस केस में जो उसका बर्डन है, उससे रिलेटेड लाइबिलिटीज है, वो रिमेनिंग 3 पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पे देखा जो भी ये बेसिक जो पॉइंट्स है, वो जो हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप या हम जो एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है, कंपलसरी है. दैट मीन्स ये वाले पॉइंट ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्राइजेज, जब यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट कर रही है, तो जनरली ये सारे पॉइंट्स को कवर करती है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अपने एग्रीमेंट है उसके अंदर मेंशन करती है. अब हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर. यदि हमने अभी हमने देखा जो एग्रीमेंट के अंदर जो भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, अब हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर. यदि हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करा रहे हैं, यदि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम यदि हमारे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो हमें ये वाले पॉइंट्स को कवर करना होगा. यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर. यदि हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हम पार्टनरशिप बिजनेस का, तो हम ये वाले पॉइंट्स को या किस तरीके से हम हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसको रजिस्टर करा सकते हैं. यहाँ पे मेंशन है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड वेदर एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन और इवन सब्सिक्वेंटली. हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यदि ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड यदि हमको लगता है, रिक्वायरमेंट है बिजनेस को रजिस्टर कराने की, तो हम इसे किसी भी टाइम पे बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं. नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप नीड, एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच हिज हर बिजनेस इज लोकेटेड. यदि हमें पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराना है, तो हमें जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है जिसके अंडर में हमारा बिजनेस रजिस्टर होगा, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिलेटेड टू आवर बिजनेस. आप इसके लिए कुछ स्टेप्स दी गई हैं, मेंशन है यहाँ पे कि यदि आपको पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराना है, तो आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे फर्स्ट यहाँ पे है, एप्लीकेशन फॉर पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन शुड इंक्लूड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यदि हमें पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन को, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा. हमने ऊपर देखा कि फाइल इन एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार, तो दैट मीन्स हमें रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इससे रिलेटेड. यहाँ पे है हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना पड़ेगा. जो हम यदि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, तो हमें जो एप्लीकेशन हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हमें ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना पड़ेगा. सबसे फर्स्ट नेम ऑफ द फर्म, देन आफ्टर नेम ऑफ द प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन. दैट मीन्स जो प्लेस है हम बिजनेस को जहां पे कैरी करना चाहते हैं, ये कंपल्सरी है. यहाँ पे क्यों कंपल्सरी है, क्योंकि हमें जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, हमें हमारी लोकेशन, जो हमारे बिजनेस की लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार प्लेस है, उसको चूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट है नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन. यदि हम इसके जो हमारे मेन प्लेस है या हम बोल सकते हैं मेन ऑफिस है, उसके अलावा ये भी यदि हम कोई और जगह हमारे बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, तो नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन. फोर्थ वन है डेट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स ज्वाइनिंग द फर्म. पार्टनर्स किस डेट को, जो बिजनेस फर्म है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसको मेंशन करना पड़ेगा डेट को.
फोर्थ फिफ्थ वन है फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है उनके फुल नेम और उनके एड्रेस को मेंशन करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म में. नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. यदि ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ पार्टनरशिप लॉन्ग रन में होती है लेकिन कुछ पार्टनरशिप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है. जस्ट लाइक हमने पार्टनरशिप स्टैब्लिश की है एक रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर बनाने, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए, या जो लोकल ब्रिज है फ्लाईओवर बनाने के लिए स्टैब्लिश की है, तो हमने हमारी पार्टनरशिप में वो फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तब डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पे है यदि जो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्टैब्लिश हुई है तो हमें उनका ड्यूरेशन को भी यहाँ पे मेंशन करेगा. तो हमें, हमने जो हमारी फर्स्ट स्टेप में देखा उसमें हमने देखा कि हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास में एक एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के अंदर हमें ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उनको मेंशन करना पड़ेगा. अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर टू. ये जो सेकंड स्टेप हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सेकंड स्टेप है, एवरी पार्टनर नीड्स टू वेरीफाई एंड साइन द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन जो हम रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि जो भी सारे पार्टनर्स है बिजनेस से रिलेटेड, जो बिजनेस फर्म से रिलेटेड है, वो साइन करे, वेरीफाई करे, चेक करे और साइन करे. यदि सारे पार्टनर साइन करते हैं तभी वो एप्लीकेशन वैलिड होगी, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगी एप्लीकेशन. इंश्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस आर एनक्लोज विद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन. जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बोर्ड क्लासेस है या बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर फीस है, या उसके अलावा आपकी फोटोज चाहिए, उसके अलावा आपके जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, यदि आप 12th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 10th की मार्कशीट, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा आपका एक आईडी चाहिए. ये एक रजिस्ट्रेशन जो 12th बोर्ड के लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए. उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे. सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 1 जो हमने पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे स्टेप 1 में बताया गया है कि एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में. तो यहाँ पे बताया कि वो पर्टिकुलर उसका एप्लीकेशन का फॉर्म है, तो आपके सबसे फर्स्ट जो आपको थिंक रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड है ड्यूली फिल्ड स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट. थर्ड है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी. एंड द फोर्थ ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और द रेंटल लीज एग्रीमेंट देयर ऑफ. ऑनरशिप ऑफ द प्लेस, जो पर्टिकुलर प्लेस हम जहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके ऑनरशिप से रिलेटेड हमें, यदि हमने रेंट पे लिया है तो रेंटल एग्रीमेंट है, लीज पे लिया है तो लीज एग्रीमेंट है, उसको भी हमें यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्थ डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्थ थिंग्स हैं जो रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड है ड्यूली फिल्ड स्पेसिमेन ऑफ एफिडेविट, थर्ड वन इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, फोर्थ वन है प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस और द रेंटल लीज एग्रीमेंट. ये सारे हमें डॉक्यूमेंट्स है, हमें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे. अब है इट मे बी नोटेड हेयर दैट द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड्स विच मे एक्सप्रेस और इम्प्लाई द अप्रूवल ऑफ पेट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज गिवन इट written consent for the use of such words as a part of firm name. Okay, once the registrar of firm is satisfied that the application procedure has been duly complied with, he she shall record an entry of the statement in the registrar of firm and issue a certificate of registration. यदि रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स से सेटिस्फाइड होता है, तो वो हमें जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है कि हाँ हमारा बिजनेस जो है, बिजनेस फर्म जो बोलेंगे हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है, तो उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया है पार्टनरशिप. इसको टॉपिक को मैंने टू वीडियोस में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे थे.
उसके अलावा हमने देखा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. आज के जो इस वीडियो में है वो हमने जो स्टडी किया है उसके बारे में है. दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, उसके बारे में स्टडी किया है. उसके अलावा पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हमें कौन सी बातों को कंसिडर करना चाहिए उनके बारे में देखा है. एंड द नेक्स्ट वन जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है वो है स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो हम जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे दो स्टेप्स के बारे में रीड आउट किया है. अब जो आपका टास्क है स्टूडेंट, जो यहाँ पे मैंने येलो हाइलाइट्स हैं वो आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, उनको कॉपी में नोट डाउन करना है. आप जो ईपी की कॉपी क्रिएट करेंगे तो ये जो येलो हाइलाइटेड लाइन्स है जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स की, वो आपको कॉपी के अंदर नोट आउट करना है. उसके अलावा आपको रीड करना है, लर्न करना है, ताकि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और अपने आप को रेडी रखें. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरा जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड रहेगा. ओके स्टूडेंट्स.